मैंने फील्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई कस्टमर हमारी शॉप के अंदर आएगा। ना लगाया कि बहुत रेनॉल्ड नेम है तो वैसे कस्टमर आता है। मेन इसमें क्या होता है ना, डिस्प्ले में एक चीज दिखाने में और पहनने में बहुत फर्क होती है। किसी भी मार्केट में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले होते हैं दुकानों के बाहर रखे डमीज, पर इनकी क्या कहानी है आइए जानते हैं। ये चार चार रोज बदलता है, नहीं तो एक दो दिन अल्टरनेट में बदलता ही बदलता है। अगर कोई आया पीस और रोज हम कलेक्शन चेंज करते हैं, इसलिए कि हमें रोज ही कुछ ना कुछ कस्टमर को नया देखे। मैंने कि इसमें धोती कुर्ता चाहिए, पैंट कुर्ता चाहिए, कॉट सेट चाहिए या गाउन चाहिए। कोशिश मेरी ये रहती है चारों में मैं चार तरीके के डिजाइन लगाऊं ताकि वो देखें और अंदर आए। जिन पता लगता है कि आपको प्रोडक्ट रेंज पता लगती है क्या आप बना रहे हैं। इसमें हम पहन के थोड़ा सा ये पता लगता है कि इसकी लुक क्या आ रही है। और कई चीज होती है दिखाने में इतना पता नहीं लगता, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही लगती है। मैनिक्विन में हम हर दूसरे दिन कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि हमारे कपड़े गंदे भी हो जाते हैं। वो गंदे ना हो, कस्टमर ये ना कहे कि आप हमें डर्टी दे रहे हो, क्योंकि हमारा भी उसमें लॉस हो जाता है। हम लगाते हैं और नेक्स्ट डे चेंज कर देते हैं। ना लगाया कोई बहुत रेनॉल्ड नेम है तो वैसे कस्टमर आता है, लेकिन लगाने से क्या न्यू क्लाइंट अट्रैक्ट होता है। विजन पता लगता है कि आपको प्रोडक्ट रेंज पता लगती है क्या आप बना रहे हैं। वो पहले लगा देते हैं कुछ सीजन के आइटम है, कलर वाइज पहले लगा देते हैं। मैनिक्विन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई कस्टमर हमारी शॉप के अंदर आएगा, क्योंकि मेरे जैसे नॉर्मली मेरी बहुत छोटी सी शॉप है, मैंने सिर्फ चार डमी लगाए हुए हैं बाहर जो मैनिक्विन्स है, तो चार लगाए। मैं कोशिश करती हूँ चारों में मैं अलग अलग डिजाइन लगाऊँ। मुझे नहीं पता कस्टमर को क्या चाहिए, क्या बेस आ रहा है, क्या फिटिंग आ रही है, वर्क बीच में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, दुपट्टे की लुक साइड में अच्छी आ रही है क्या है, तो इसमें ये चीज का पता लगता है। कस्टमर जो है ना मेन मैनिक्विन से अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट पहले ही मैनिक्विन से पूछेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ मैनिक्विन में ये चीज़ जच रही है तो ही आगे वो उसे, क्योंकि पहनी हुई चीज़ है ना, मैनिक्विन भी एक शेप ऑफ आ बॉडी है, तो उसी से ही पता लग के फिर वो आगे बढ़ता है। उससे जल्दी ही करना होता है क्या, आप अपना बेस्ट प्रोडक्ट लगाओ, कलर थीम अकॉर्डिंग टू सीजन लगाइए। डिपेंड करता है, अगर आपका स्टॉक निकल रहा है और वही पीस आपके डमी ने पहना हुआ है, मैनिक्विन ने पहना हुआ है, तो वो निकाल के हमें सेल करना होता है, तो दिन में दो बार भी हो जाता है कभी कभी। अब दिखाने में अब मैं आपको ओपन करके सेम चीज दिखाऊंगा, आपको इतना पता नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पहनी हुई नहीं है ना, आपको दिखाने के लिए सिर्फ। बाकी आप आज के टाइम में मैनिक्विन के अलावा फोटोशूट आ गए हैं, फोटोशूट जो है वो तो ऑनलाइन के हिसाब से है तो वो डालनी पड़ती है। बाकी जो मेन तो इसमें कि आप यहाँ पे तो हम फोटोशूट तो लगा नहीं सकते, तो इसमें हम मैनिक्विन में डमी लगाते हैं तो चेक अट्रैक्टिव होती है। मैनिक्विन आज के डेट 1500 रुपये से लेकर 20,000 तक 25,000 तक के अकॉर्डिंग टू क्वालिटी है, वो लाइफ ज़्यादा होती है अच्छी वाली की, इनके अंदर हल्की वाली थोड़ी ब्रेकर ब्रेकर ज़्यादा हो जाती है। 90% ऐसा होता है मैनिक्विन वाले कपड़े ही सेल होते हैं, क्योंकि मैनिक्विन में पहनने के बाद जो फिट आती है वो कस्टमर को देख के लगता है कि वो हम पे भी ऐसे ही फिट अच्छी आएगी, तो वो सबसे ज्यादा सेल होता है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बिजनेस फॉर रिटेलर्स को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में बताएं।